खुद भी फांसी लगाकर जान। मौके से पुलिस को 107 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें आर्थिक परेशानी और कर्जदारों से परेशान किए जाने का जिक्र किया गया है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। एक परिवार के 3 सदस्यों द्वारा जो है मतलब मृत पाए गए हैं अपने घर में। प्रथम दृष्टया सुसाइडल हैंगिंग प्रतीत होता है, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये पुष्ट हो जाएगी कि एंटीमार्टम हैंगिंग या सुसाइडल हैंगिंग है या नहीं। और उसके बाद हम लोग मामले की विधिक जांच करेंगे और अग्रिम कार्रवाई अमल में लाएंगे। दुकान पे बैठा था, नौकरानी आई और उसने बोला कि भैया देखिए दीदी दरवाजा नहीं खोल रही है, पता नहीं क्या हो गया है। मैंने कहा चलो मैं आता हूँ। तब तक मैंने दुकान बढ़ाई, तब तक मोहल्ले के कुछ लोग आए, उन्होंने दरवाजा छोड़ा और देखा कि अंदर जो है सुसाइड कर लिया है। जब मैं आया तो देखा मेरे बहनोई विशाल मोदियानी फांसी लगाए हुए थे और मेरे बहन और मेरे भांजे को जहर दिया गया था। आशियाना के सेक्टर आई में एक दुखद जो है घटना सामने आई है, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे खुद जेसीपी नीलाब्जा चौधरी से जो तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। यहां पे बताया जा रहा है कि कैफे संचालक हैं विशाल मदलानी, इन्होंने जो है फांसी लगा के सुसाइड की है। सुसाइड से पहले अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या की है, जहर दे के उनको मौत के घाट उतारा है, उसके बाद जो है खुद फांसी लगाई है। फांसी लगाने से पहले 7 पन्ने का सुसाइड नोट जो है वो मौके से पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें कर्ज में डूबने की जो बात है उसका जिक्र किया गया है। बहरहाल अब जांच का विषय है, वो देखना होगा पुलिस इसमें आगे क्या जो है तथ्य खोज के सामने लाती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सातानु, भारत समाचार, लखनऊ। आजमगढ़ से खबर है, जहां पर बदमाशों ने ग्राम प्रधान को गोली मारी है। बाइक सवार दो बदमाश गोली मारकर फरार हुए हैं। गंभीर हालत में प्रधान हायर सेंटर रेफर किया गया है। रानी किसराय थाने के दिलौरी का ये पूरा मामला।